फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट सांभर बड़ा। इसके लिए मैंने 2 कप उड़द दाल लिया। इसे अच्छी तरह धो के हम 8 घंटा भिगा के रखेंगे। 8 घंटा के बाद देखिए ये फूल के सॉफ्ट हो गया। अबे हमें पूरा पानी ड्रेन कर लेना है। इस तरह छाननी से मैंने पूरा पानी ड्रेन कर लिया। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो इसका पेस्ट लिक्विड हो जाएगा और बड़ा नहीं बनेगा। ब्लेंडर में इतना क्वांटिटी पे ही हम दाल डालेंगे। ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो पीसने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप डाल देते हैं इसमें थोड़ा चकारी पत्ता, 4 हरी मिर्ची और ये थोड़ा अदरक डाल के पीसेंगे और इसे हम बीच बीच में चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि पूरा दाल अच्छे से पीस जाए। और जरूरत पड़े तो हम 1 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। ज्यादा पानी हम डालेंगे नहीं क्योंकि लिक्विड हो जाएगा और बड़ा नहीं बन पाएगा। देखिए इस तरह कंसिस्टेंसी से हमने पीसा। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना पड़ा, तो ज्यादा पानी एक साथ मत ऐड कीजिए। उतना दाल मैंने 3 बेस पे पीस लिया। ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया, थोड़ा से दानादार रखा और ज्यादा मोटा भी पेस्ट नहीं किया। तो आपका बैटर अगर ऐसे परफेक्ट होगा तो आपका बड़ा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए बैटर रेडी है। अभी इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून राइस फ्लोर चावल के आटा। ये डालना बहुत ही जरूरी है, इस पे ही आपका बड़ा क्रिस्पी बनेगा। और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हींग डाला। ये अच्छे से फेटेंगे तब तक जब तक फ्लॉपी ना हो जाए। इस तरह 5 मिनट फेटते रहिए। और एक टिप्स है, बैटर ठीक से फ्लॉपी हुआ कि नहीं, कटोरे में पानी दिया और थोड़ी सी बैटर मैंने डाल दिया। देखिए बैटर पानी के ऊपर आ गया, इसका मतलब बैटर बहुत ही अच्छा फ्लॉपी हुआ। आप इसे फ्राई करना है। एक कटोरी में पानी लिया और पानी हाथ के ऊपर अच्छे से लगाया और थोड़ा से बैटर हाथ पे लेके शेप देके और बीच में होल बनाया। अभी होल बना के दूसरा हाथ पे ट्रांसफर करके तेल के ऊपर छोड़ना है। ये देखिए ये फटाफट बन रहा है। इस तरह करके ज्यादा बड़ा एक साथ डालेंगे तो गैस को इस टाइम पे हाई रखना है। फिर दोनों साइड हल्का ब्राउन हो जाए तो हम गैस को उस टाइम पे मीडियम रखेंगे और धीरे धीरे पलट पलट करके ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये सारे बड़ा फ्राई हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सेकंड राउंड भी बना के फ्राई कर लेंगे। शुरू शुरू में आपका 1-2 बड़ा में शेप नहीं आएगा ठीक से, फिर बनाते बनाते प्रॉपरली शेप में आ जाएगा। ये देखिए हमारा टेस्टी सांभर बड़ा रेडी। आप भी इसी तरह बनाइए। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। बाय।